सर का एक लंबा एक्सपीरियंस है एजुकेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में। जितनी भी अगर हम जो है टेक्नोलॉजी शब्द की बात करें तो टेक्नोलॉजी का पर्याय जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ गोयान, यूनिवर्सिटी ऑफ गुयाना, बाबा सन यूनिवर्सिटी मलेशिया और साथ ही साथ जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ील में विजिटिंग फैकल्टी भी रहेंगे। आप विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो रसायन क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो और तकनीकी क्षेत्र हो। आप शिक्षा शास्त्र में भी कई विद्यालयों से संबद्ध रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप अभी वर्तमान में अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप विभिन्न प्रकार का रिसर्च का एक्सपीरियंस अगर देखें तो विभिन्न आपका सर का प्रोफाइल भी देखेंगे तो यू विल हैव different type of research papers in different areas related to technology that can help the researchers to make them knowledgeable, expertise and use that knowledge in their expected area. साथ ही साथ जो सर के क्षेत्र हैं जिनमें उनकी महारत है वो भी काफी ज्यादा जो है vast है, जिसमें education technology, open and education resources, open and distance learning, teacher education, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च, विभिन्न क्षेत्रों के आप एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के आप पर्याय हैं। और मैं अब हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज की कार्यशाला के इस सत्र को आगे बढ़ाएं। ओके फ्रेंड्स, अब आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ या तो मुझे स्विच करना पड़ेगा गूगल क्रोम के ऊपर, तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है आप लोग यदि जिस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अपनी कंप्यूटर पे उसको ट्राई करके देखेंगे तो आपको बड़ा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और उसको फिर कहाँ से ढूंढा जाए। माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल और उसके अंदर आपको ढेर सारी मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल में हम सभी चीज़ों का ओनली 10 या 20% ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा तो हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को देखते भी नहीं। और पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो ये रेफरेंस वाले इसको देखते होंगे। चलो रेफरेंस से मुझे याद आया, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई थी इसी रेफरेंसेस को लेकर, मैं आपको वो शेयर करता हूँ, आप उसको यूज कीजिए। ये वाला ये मैं आपको इसका लिंक भेज रहा हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने कल दिखाया था आर्टिकल्स लिखने हैं, डेफिनेटली एपीआई में जाएगा यूपी यूजीसी के, तो वो उसमें आपको बहुत जरूरी है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको आपके साइटेशंस को भी मैनेज करना होता है। वो जरूरी कंपोनेंट है रिसर्च का कि आपने औरों का काम को अपने काम के अंदर किस तरीके से यूज किया है। तो वो क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, किसी का पेपर ढूंढोगे, फिर उसके आप रेफरेंस को टाइप करोगे, किस फॉर्मेट में बनाओगे मैनुअली, ये एक बहुत टीडियस काम है। लेकिन एमएस वर्ड आपको हेल्प करता है कि उस काम को आप कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो कल मैंने आपको उसका छोटा सा एक एग्जांपल दिखाया था, लेकिन ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये उसकी पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि किस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको मेंडली के अंदर अपना आईडी क्रिएट करना है, फिर उसमें फोल्डर बनाना है, फिर आप अपने आर्टिकल्स को सर्च करोगे और मेंडली को आप डाउनलोड भी कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। और उस तरीके से जब आप अपना आर्टिकल सेलेक्ट कर लोगे तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसकी आपको वो डिटेल दिखाएगा और फिर आप उसकी जो बिब फाइल है बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड उसको आप
डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर पर। यहाँ तक का तो दूसरे तरीके से काम होता है, वो सेव हो जाएगा और फिर आप उसको अपने इसमें जोड़ लीजिए। अब क्या होता, इतने करने के बाद यहाँ पर एमएस वर्ड का रोल शुरू होता है। जब आप अपने मेंडली के अंदर आपने जो रिसर्चेस ऐड की थी, सर्च की थी, उनको सेलेक्ट करना है, जैसे ये टिक मार्क रखा है एक नंबर पर, और फिर आप इसको क्लिक करोगे एमएस एक्सपोर्ट टू एमएस वर्ड। व्हेन यू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू एमएस वर्ड देन इट विल शो यू दिस फाइल टू बी डाउनलोडेड एज XML। यू नीड टू डाउनलोड दिस XML। आफ्टर दैट द वर्क ऑफ एमएस वर्ड स्टार्ट्स। यू नीड टू गो टू द रेफरेंसेस एंड इन रेफरेंसेस यू क्लिक ऑन। तो इसके अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि कहाँ से आप अपने उसको देखेंगे। तो कुछ हम इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं और जो इसकी हिडन पावर है एमएस वर्ड की। इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है, जब आप इन्फो में जाएंगे और ये वर्षन का फर्क है, यदि आप लोग बहुत पुराने एमएस वर्ड के वर्षन पर काम कर रहे हो तो आपको हेल्प मेनू में क्लिक करना पड़ेगा, जो एमएस वर्ड का यहाँ पर इन्होंने हेल्प मेनू इधर से ये हेल्प में डाल दिया है। पुराने वाले के अंदर हेल्प के अंदर ही उसकी इंफॉर्मेशन होती थी, नो अबाउट योर एमएस वर्ड वर्शन एंड व्हाट आर वेरियस फीचर्स। न्यू वर्शन के अंदर इन्होंने उसको हेल्प फाइल मेनू में डालकर, और आप सबसे नीचे ये जो ऊपर वाली चीजें तो आपने देख ली, क्लोज का मतलब होता है द फाइल विच इज ओपन दैट विल बी क्लोज्ड। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट। एग्जिट मीन्स एग्जिटिंग द सॉफ्टवेयर, क्लोज मीन्स क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। सो इफ यू हैव टू थ्री डॉक्यूमेंट्स ओपन्ड, और देर इज वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर दैट वेन यू क्लिक ऑन एनी एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर फाइल एक्सप्लोरर, टू थिंग्स विल ओपन, your document and the related application for that, and at that time it takes more memory of the system because it needs more memory to upload to get that application started। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, मान लीजिए आपको चार पांच documents पर काम करना है, तो आपने एक document खोला, उस पर काम किया, फिर उसको क्लोज कर दिया, यानी टोटल बिल्कुल एप्लीकेशन पैकेज तक भी क्लोज हो गई, फिर नए डॉक्यूमेंट को खोला, उसको बंद कर दिया, फिर नया डॉक्यूमेंट खोला, फिर उसको बंद कर दिया, ऐसे करते करते। इससे अच्छा ये है कि यदि आपको ये लगता है कि आपको एक ही बार में यू हैव टू वर्क ऑन थ्री और मोर मीन्स वट एवर मोर देन वन सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, सेम मीन्स आइदर यू आर वर्किंग ऑन एमएस वर्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्स और एमएस एक्सेल और समथिंग, क्लोज द डॉक्यूमेंट, डोंट एग्जिट द एप्लीकेशन। वो क्या होगा, दैट ओनली योर फाइल योर डॉक्यूमेंट इट विल बी क्लोज्ड बट द एप्लीकेशन विल रिमेन ओपन इन द मेमोरी एंड एट दैट टाइम इट विल कंज्यूम लेस मेमोरी। अदरवाइज एवरी टाइम सॉफ्टवेयर विल क्लोज देन सॉफ्टवेयर विल ओपन सॉफ्टवेयर विल क्लोज देन सॉफ्टवेयर विल ओपन एंड इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी ऑफ योर सिस्टम। सो क्लोज एंड एग्जिट में ये फर्क है। सबसे नीचे वाला इसका बड़ा पावरफुल सिस्टम है जो नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं है और कभी उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, बट दिस इज वेयर वर्ड ऑप्शंस वेयर सम फ्यू थिंग्स दे आर लाइंग देयर एंड यू नीड टू चेक देम दैट हाउ दे वर्क। दीज आर दी जनरल ऑप्शंस विच यू कैन कंफ्यूगर, like here username, you can change this username if you want to, and this may be helpful for you sometimes if you are reviewing a document, you know document review, jaise main aapko yahan par dikhata hu, maan lijiye ye koi mera koi ek wo hai, acha usse pehle main aapko ek command bhi batata hu ki aapko apne document, jaise kal vimal ji ne aapko ek bahut acha वो ऑप्शन बताया कि पेज के अंदर कलर करना है, तो आप उसके लिए जैसे आप डिजाइन के अंदर आप जाते हैं
और ये जो पेज कलर का बटन है आपने इसको सेलेक्ट किया, और जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें वो देखिए आप पेज का कलर चेंज होता चला जाएगा। वो सिंपली आपने उस तरीके से पेज को क्लिक किया। मान लीजिए उसी तरीके से आपको कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देना है और आपको ये अपने पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट करना है, तो आपको क्या करेंगे, या तो आप किसी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसका मैटर टेक्स्ट इसके अंदर पेस्ट करेंगे, या इंटरनेट पर जाएंगे, वहां से आप उसका टेक्स्ट लेके पेस्ट करेंगे। उसके बजाय एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कमांड है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो जैसे कल डॉक्टर पुलिस ने आपको एमएस एक्सेल के अंदर ट्रेनिंग दिया, तो आप इक्वल टू का साइन लिखेंगे और फिर आप रैंड लिखेंगे, दिस इज फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ रैंडम, एट रैंडम एनीथिंग इट विल जनरेट, देन यू स्टार्ट विद द राउंड पैरेंथिस दैट इज द ब्रैकेट, एंड देन द नंबर ऑफ पैराग्राफ यू वांट इन योर दिस डॉक्यूमेंट, से लाइक आई वांट 3 पैराग्राफ्स फॉलोड बाय अ कॉमा, एंड द नंबर ऑफ लाइंस इन दैट पैराग्राफ, से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट 5 लाइंस और 6 लाइंस और 7 लाइंस, क्लोज द ब्रैकेट एंड सिंपली प्रेस एंटर, दैट्स ऑल। आप एक बार इसको करके देखो, मैं दोबारा से उसको आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। अभी ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और मुझे इसमें आपको कोई चीज प्रोसेस करके दिखानी है कि हम टेक्स्ट के ऊपर कैसे बिहेव एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब टेक्स्ट आप कहाँ से लाएंगे? टेक्स्ट लाने के लिए आपको यू टाइप इक्वल टू साइन इक्वल देन RAND दैट इज रैंडम इन फुल फॉर्म फॉलोड बाय ए ब्रैकेट, देन नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, से दिस टाइम आई वांट 5 पैराग्राफ, कॉमा, एंड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी 3 दिस टाइम, यू कैन चेंज एनीथिंग, नो प्रॉब्लम इन टू इट, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, जस्ट प्रेस एंटर आफ्टर दैट, एंड यू सी यू कैन काउंट देर आर 5 पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ हैज 3 लाइन्स इन टू इट, सो दिस इज ए क्विकर वे टू यू नो रीच दैट। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर रिव्यू फंक्शन है, आपके पास एक पेपर आया, सपोज दिस इज ए रिसर्च आर्टिकल विच हैज कम टू यू एंड यू नीड टू रिव्यू इट, यू नीड टू गिव योर कमेंट्स, बट यू वॉन्ट दैट वेन इट इज सेंट बैक द पर्सन शुड नॉट सी योर नेम। अभी करंटली क्या होगा, मान लीजिए जैसे मैं इसको ठीक करता हूँ इतने को, और मैंने यहाँ पर एक नया कमेंट को क्लिक किया, एंड यू कैन से चेंज लुक टू लुक्स। अब इशू यहाँ पर क्या है, इट इज शोइंग माई नेम हेयर इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड वेन आई सेव इट आई सेंड इट, एंड देन द पर्सन में से दैट हु एडिटेड और हु करेक्टेड दीज थिंग्स, बट यू डोंट वॉन्ट दैट दैट योर नेम शुड बी विजिबल, यू वॉन्ट टू कीप इट एनोनिमस, और मे बी यू कैन कंसिडर इट दैट आई हैड दिस डॉक्यूमेंट बट आई डोंट हैव टाइम एंड आई रिक्वेस्टेड जितेंद्र जी दैट काइंडली एडिट दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव इट बैक टू मी, बट देन आई विल फॉरवर्ड इट टू माई यूनिवर्सिटी दैट क्लेमिंग दैट आई डिड इट, बट सिंस जितेंद्र जी हैज डन इट हिज नेम विल बी देयर, सो द यूनिवर्सिटी कैन फाइंड दैट इट इज नॉट मी हु डिड इट, इट वॉज जितेंद्र हु डिड इट, so how to you know in that case make it again go back to this file, go into the options, and from here you see this username you can personalize here, and for the time being you can change this name and click on OK at the bottom of the page, do that editing, and later on again you come back to this option and put your name again back into this window like that. But anyway, a question is that why this name is needed? It is just name to give a name to the work, because the document, all the documents, they have certain properties. In that properties, it wants
that who is the owner of that document. That's why it is there. But from here, now you know the place that if you want to change it, from which screen, which place, you need to change that one. So this is that field. And then you can see that the what is the office theme. And the office theme is that you want to keep it color or dark gray or black or white and whatever. And then the office background means the in which way the things they will appear. Like if you want some doodle circles or doodle diamonds or geometry, anything, you can click it and click on save. And the next time when you open the background of your MS Word, it will be a little bit changed from there and that way. And similarly, there are other options for you can check them all, like say like for display. Now in display, there are certain things that these are very important. And yesterday, Dr. Pulis took a session. He is, his experience of this product is wonderful. And normally, like these paragraph marks or spaces, etc., he used to keep them open. And I was used to wonder, ki yaar ye itne sare kyun ye extra characters aapne dal rakhe hain. But there is, see, abhi ye jitne bhi extra cheeze hain, ye aapko ulta p aur beech beech mein aapko har cheez ke baad dot aapko nazar aa rahe honge. This is very important for documentation formatting. Depending on, because from here you can know, find that how many space between different words is there. ऐसा कोई जरूरी नहीं है वहां से आप कर रहे हो. यदि आप options में जाके आप इसको करोगे display में जाकर, तो ये permanent solution रहेगा. यहां से ये permanent solution, अब देखिए मैंने किया तो वो सारा हट गया. आप इसको व्यू लेआउट इन सभी चीजों से भी आप इसको कर सकते हो. ये केवल इस यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिबन में से जाके करते हो तो इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. बट इफ यू थिंक दैट यू वांट इट रेगुलरली एवरी टाइम व्हेनेवर यू वांट इट इज देयर देन दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू नीड टू डू दैट. सो वो आपको बार बार अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा. So that is a thing. Another interesting thing in that options field is proofing. That is going to be very good for you. But इसके अंदर एक चीज है कि जो आपको सभी के versions में नहीं मिलेगी, मेरा ख्याल में Office 365 के अंदर होगा. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर correct spellings और grammar in the world दिखाएगा. ये वो options हैं जो आप इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, क्या चीज इग्नोर करनी है और क्या चीज उसको देखनी है स्पेलिंग्स की, आपको वो बताता रहेगा कि कहां से आपने उसको ऑटोमेटिक कर दिया. तो वर्ड के अंदर जैसे ही आप टाइप कर रहे हो तो क्या वो आपको सजेशंस दे, क्या वो करे. बट वो थोड़ा सा कभी कभी यू नो इरिटेटिंग भी हो जाता है कि जैसे ही आप टाइप करना शुरू करो वो आपसे आगे आगे भागेगा. वो जैसे गूगल के अंदर होता है, जब आप गूगल के सर्च इंजन में जाएंगे और आप हाउ टू, आप सिंपली हाउ टू टाइप कीजिए, वो एक लंबी सी लिस्ट अपने आप दिखा देगा आपको बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बिहेवियर कि आप क्या सर्च कर रहे थे. तो हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन, वो उसको हम बोलते हैं ऑटो फिलिंग, ऑटो करेक्ट, वो उन चीजों को. तो ये एमएस वर्ड के अंदर भी वो फैसिलिटी है कि वो आपको जैसे फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, तो यदि आप कर रहे हैं तो वो आपके वर्ड के नीचे एक रेड डॉटेड जार्ड लाइन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है. वो इसलिए कि वो आपने इसको ऑन कर रखा है. यदि आप उसे इरिटेट फील करते हो कि बार बार क्यों आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से सिंपली अनचेक कर दीजिए. ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर है, रीडेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स. यदि आप इसको ऑन रखते हैं रीडेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स को, तो ये आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी कैसी है उसके बारे में आपको बता सकता है. रीडेबिलिटी का मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको रीड करने के लिए किसी भी व्यक्ति की कितनी कैपेबिलिटी यूज होनी चाहिए. मतलब छोटी क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है. और दिस टेक्स्ट इज मीन्स सिंपली यू कैन से दैट इफ वी आर स्पीकिंग द इंग्लिश यू एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग इट.
But suppose sometimes if Mr. Shashi Tharoor speaks, sometimes the people wonder that how means high level of language he speaks, because he is an expert in that field and he can speak beautiful English, but that can be sometimes very difficult, a crucial kind of English also. For that we need a better kind of intelligence to understand his language. So that gives. Uske liye aapko, you can set that, but for that when you go to your home page at the end, there one editor button you will find. You need to have that, and I think that is available with those people who are using Office 365. So if somebody is using, you use that feature, and that can help you in improving your language, because you can find that whether the language which you have means the text which you have written is simple in its understanding or difficult in its understanding, and you can change that. From there this becomes easy. There is another facility which I think you everybody may be knowing. Suppose if I am selecting a paragraph, then out of here it gives me the word count at the bottom of the page. There are total 239 words, but at present 49 words they are highlighted, they are selected by me. So this way you can find, and this is important for you, because if you are writing a research paper and you need to, the journals, they tell you that you need to have an abstract of 100 words, 200 words, minimum or maximum 200 words, and you need to check that. So from here you simply just, now if I unselect everything, it is only 239 words at the bottom of the page. If I select particular, make a particular selection, it will tell me now the sentence which is I have selected, it shows only 13 words now. So that way we can change it this way. Now during formatting, in the designing part, these are the themes which you can select from anywhere. This is the color combination it goes into your document. Suppose you can see that when I bring my cursor, the text, it keeps on changing automatically. You see at the background, in the back, the font and the appearance, it changes. So here it is beige, and if I make it slice, so see the font size, it has become bigger. And if it is Eon or Eon Board or organic, so you see the word changes. So from here also, when you create your document, you can see immediately the whole of the formatting has been changed. If I select other theme, say this one, so the text has changed. This is a quick way to make this is a particular theme you want to select for your text, and how the text will be looking or it will be printed. This is good for when you are creating a report for your work. So, and these are the how it will look like. It has a good normal, and you, if you are later on, you can set it, either save the new one as a new style, or you can go back to your default style which you was there. Then these are the colors for your various things, that if you want this theme or this theme, and when you make your text appear, in what way they will be appearing. These are the effects. This is a watermark which you can put sometimes. You want your watermark to appear in your document if you are sharing a particular report, say like confidential, and then if you want, it will go into the background document. So this way you need to select, and here we can create a custom watermark also for our document. You can type anything. Say here, if instead of I want to say like Shri Lal Bahadur Shastri University, and how it will appear, and whether it should appear in a particular color. I can change the color, and I can apply, so, and then close. So you see now the watermark has come, and once you save it, it will stay. So any person who is using that,
so it gives you a certain identity, a certain confidentiality which you want with your software to go into it. These functions, they work as page background. Again, you want to remove this, again go back and go to either remove the use it or using the same custom watermark. You can make changes or click on no. In addition to that, you can have a picture watermark. This picture watermark works in a way where you want to have certain image as a background, and that you must have seen in various, you know, UNESCO documents or something, where they have a photograph in the faded form in the background. So you select a picture and you can upload it or make an internet search or make your drive. There are these options available to you. From a file means you select it from your computer disk. Bing image is the Microsoft search engine, and you can make it and then you can insert it from there. So let's see, if you want to browse, you can take any photograph, say, okay, here is this image, I want to insert it. So this picture has come, and I want to scale up it auto. Auto means the software will adjust it according to the, and you can see that in the background, the image has come. And we can then, you know, adjust the thing. So that way it goes. Again, you can say, if you want to change, this time you want to go and you are writing an article, say on Corona. And then you can make a search, it will be searching. And if you think that you have found something good, okay, this is the photograph, you just insert it. And so this is, has come here, you click on OK, and then the photograph will be there. And then we can adjust its properties by looking there. So this way we adjust these things. Now, there are the second tab is of layout. This layout, three out of all these tabs, there are three tabs which are very much heavily used than others. The most frequent is the home, where we use it, because the home is where most of the commands, they are available to us. And then second is the layout, and you use insert to insert something, but we can simply copy paste them also. In layout, this is how your document is going to look. So you fix the margins. There are lot of variety of, you know, options available to you. And still, if you think that the specification which you want is not available here, you can always go to custom margins. And from custom margins, you can make everything available, which can be seen that whether it will be available to this whole document or a particular point onwards from there, that setting can be done. And then you can fix the size of the paper, from where it will take it, and the layout, how it will start, and headers and footers. Yesterday, Urvashi ji was asking about footers and footnotes. So here it is. And if you note that in my journal, how can we change margin units from centimeters? Yeah, it gives you, you need to have the converter, and from there, because in the settings, or go to the options in the file menu, and from there you can change it. You remember the file and the info tag from there, because that is the for the software. All the settings you do, you change it from there. And then different on odd and even page. It means on page number one, something else header will be there, and on page number two, a different header or a different footer will be there. This is mostly in case of, say, like reports, journal articles, on which one page you want to have the name of the journal, on second page you want to have the name of the author, and so on. And similarly, at the bottom, on one page the page number will come, on another name of the report or name of the chapter or something. These things, you change them, and from here all these margins you can make
good use of that. So that is second is the orientation, whether you want the portrait or the landscape. अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट, मैं इसको थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ. एंड एंड अगेन लेट अस यूज दैट सेम थिंग कमांड आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड लेट अस दिस टाइम हैव से 15 पैराग्राफ्स एंड विद अराउंड 10 लाइंस इनटू ईच पैराग्राफ एंड प्रेस एंटर. सो सी नाउ I have, okay, how many pages we have now? So we have now 4 pages of text with us. Okay, so that is good. Now, अब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसके अंदर आपने मान लीजिए पेज नंबर 2 के ऊपर आपका एक टेबल है. सो वी व्हाट वी डू, we go to the table, we insert the table and add a lot of data into it. Okay, yahan par main aapko ek nayi cheez aur bhi batata hu. Abhi pehla column aapne banaya serial number, dusra column aapne banaya name, teesra column aapne banaya designation and so on. You kept on doing these things. So let us increase the number of rows. And this is has become a good table. Okay, so it is making. Let us remove some of the rows so that it stays on one page. Okay, now this is on one page. अब हम क्या करने वाले हैं? To type the serial numbers. Now you remember yesterday when Dr. Pulist was showing you MS Excel. In Excel, it is easy. I will type one here and select the corner of my cell and drag it down and it will automatically type 1 2 3 4 into MS Excel. Auto numbering is very easy in that, but it is not here. If I select it, if I drag it, I'm repositioning the text, so that is not going to work. But there is a way to automate it, and that is a super simple technique. What you need to do, just select that column in which you want your numbers to come. I have selected this column. So now how to automate a number generation in your Word table, because in Excel it is automatic, but in Word you have to do it in a different way. So what you need to do, in your table select that column in which you want your numbers to be done, and after that go to Home tab. And here you see you have this numbering list option. So you select, and in what format? You see, I'm just hovering over my mouse pointer, and it is showing me the numbers. And the way I want, so this is with full stop, this is with parentheses, and this is in this style. I want A B C D can come, lowercase, uppercase, with full stop. With 1 2 3 in that, whatever, you simply need to select it and just collect. So all the numbers, they have come there automatically in my table. Okay, so that way it is automatically coming inside into it. Now ab meri ek requirement hai, ye jo mera table hai ye bahut bada hai. And sometimes if you think that you need to have, say, more, you know, okay, let me show. If I want designation bada hota hai, serial number is not a large column, but name can be big. And if you have your institution name, which is very much bigger. So abhi aap dekh rahe hain ki this margin, it has crossed my right margin, which may not be visible to me in my document directly. So that way I need to, you know, make the orientation change of my document. Now how to change the orientation? I will go to layout, go to orientation, and from portrait make it landscape. Now ab
ठीक है, लैंडस्केप मैंने जैसे ही किया मेरा टेबल तो आ गया पेज पर, लेकिन अब दूसरी समस्या उसमें क्या हो गई कि पूरे का पूरा टेक्स्ट भी मेरा लैंडस्केप मोड में आ गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट, मेरा जो पोर्शन है वो इसके अंदर पोर्ट्रेट में रहे और एक सर्टेन टेक्स्ट लैंडस्केप मोड में रहे। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, आप अपना, ये हमारा नॉर्मल है, अब आप इसमें ये करेंगे कि आप ये चाहते हो कि आपका इतना टेक्स्ट उस पर रहे, खाली मान लीजिए यहाँ से आप ये गए टेबल, टेबल आप अगले पेज पर देना चाहते हैं, या टेबल का नाम भी आपने रख दिया मान लीजिए। देखिए अभी मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी तो वो नीचे रेड लाइन आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि सॉफ्टवेयर को ये पता है कि ये स्पेलिंग गलत है और वो हमें वार्निंग दे रहा है, और यदि मैं उसके अंदर ऑटो करेक्ट को ऑन कर दूं तो ये स्पेलिंग को अपने आप भी ठीक कर देगा। बट उसके अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पता है कि वो हमारी स्पेलिंग है, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस इंग्लिश और व्हाट कंट्री इंग्लिश अकॉर्डिंगली देन देयर। सो दिस थिंग्स इट दिस आर वेरी गुड। सो व्हाट आई विल डू, यू क्लिक ऑन द इन फ्रंट ऑफ दैट, एंड दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल कमांड ऑफ ब्रेक। सो यू क्लिक ऑन ब्रेक एंड देन हेयर वी हैव टू काइंड ऑफ ब्रेक्स। वन इज द पेज ब्रेक टू क्रिएट ए न्यू पेज, एंड द सेकेंड इज द सेक्शन ब्रेक्स। सो हेयर वी विल क्रिएट ए सेक्शन ब्रेक। सो वी क्लिक ऑन दिस एंड सेक्शन ब्रेक हमने किया, एंड ये देखिए अब आप हमारा वो नेक्स्ट सेशन आ गया। उसके बाद वी विल गो टू द एंड टिल दैट एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यदि आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, पहले मैं ये अपना कमेंट वाला हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे इसको इंक्रीज किए हुए है। आप सिंपली कमेंट को डिलीट कमेंट करेंगे तो वो चला जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट की विजिबिलिटी वो है वो बढ़ जाएगी। वो आप देखो कि ये अब कैसे दिखता है। ये मेरा पेज नंबर एक है जो पोर्ट्रेट में है, पेज नंबर दो पोर्ट्रेट में है, और ये हम यहाँ पर आ गए, ये इसमें गया, ये इसमें गया, और ये इस तरीके से ये गया उसके अंदर। अब ये आपका ओरिएंटेशन पेज ब्रेक्स में, आप उसको नेक्स्ट पेज पर, ओके मैंने किधर सरका दिया उसको, यहाँ पर। तो ये इसकी ओरिएंटेशन को आपको चेंज, ओके लेबल एंड यू नीड टू हैव दी, ओके यहाँ से ये आ गया एंड वो उसमें है। अब आप क्या करेंगे, इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। सो ऊपर का, अब आप ये देखो ये हमारा पहला पेज है जो पोर्ट्रेट में है, हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट विजिबल, ओके इसको दूसरे तरीके से देखने में आपको इजी रहेगा कि हम इसको इस तरीके से विजिट आपको देखें। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपने सेलेक्ट किए थे बीच में डॉक्यूमेंट के अंदर, रेस्ट आर इन पोर्ट्रेट, ओनली दोस फ्यू पेजेस विच यू सेलेक्टेड दे आर इन लैंडस्केप मोड, सो योर होल ऑफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट। सो दिस इज वेरी गुड समटाइम्स जब व्हेन यू क्रिएट योर रिपोर्ट, से यू आर राइटिंग योर थीसिस एंड यू हैव ए लॉन्ग टेबल एंड यू वॉन्ट ओनली दैट टेबल और ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर पेज टू बी कन्वर्टेड इन टू दैट। So again, I'm repeating, keep your orientation in normal way, whatever it is, portrait or landscape. Just for the document where you want to change it, go to the breaks, make it include a section break. It means that only that particular section will be separated from the rest of the text. So uska start aur uska end, aap wo usko kar dijiye aur uske baad wo, मान लीजिए आपने उसको खत्म करना है तो वही है, आप उसके अंदर जाएंगे और उसके आप उनको बाकी के साथ में आप कंटिन्यूस कर दीजिए तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और वो चीजें। सो दीज आर दी ऑप्शंस। देन इन योर डॉक्यूमेंट इफ यू वांट यू कैन हैव लाइन नंबर्स, रीस्टार्ट ऑन इन पेज, रीस्टार्ट ऑन और कंटिन्यूस और देयर। सो इफ यू सी द लाइन नंबर्स दे हैव कम अप इन योर डॉक्यूमेंट। आई सिंपली सेलेक्टेड, why these line numbers, they are important for editing purpose.
सिलेक्शन, तो इसने जहां पर मेरा पहला सिलेक्शन था वहां तक उसके अंदर लाइंस को उसने उसमें डाल दिया. दिस इज वेरी गुड फॉर एडिटिंग पर्पस व्हेन यू वांट टू टेल दैट ओके पेज नंबर 2 लाइन नंबर 9 एंड दिस वर्ड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद दिस वर्ड. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट डॉक्यूमेंट गिविंग. एंड देन हाइफनेशन इज सपोज देयर इज सम बिगर वर्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड. So you want that word completely to be retained as such. In that case, if it doesn't fit there, it will go to the next line. और फिर उस केस में आपको क्या लगेगा कि आपका जो राइट मार्जिन है वो जैगर्ड लगेगा, मीन्स कहीं पे लंबा कहीं पे छोटा. और यदि आप उसको यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं तो हाइफनेट कर सकते हैं, यानी जितना वर्ड वहां तक पहुंचा उतना वहां तक रहा, बाकी हाइफन होके नेक्स्ट में चला जाएगा. इट डिपेंड्स मोस्टली that how do we work on that. अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कई बार हमें अपने पेज के अंदर, मान लीजिए ये मेरा पहला पैराग्राफ है और पहले पैराग्राफ के बाद I want to draw a line. So how to draw a line, I go to insert and then I have these shapes and I select a line and draw a line like that. And then from the properties, I can select the line shape, line fill, और वो कौन से कलर का लाइन है, और उसी तरीके से आपने लाइन की कितनी हाइट विड्थ करनी है, यू चेंज इट. बट देन दिस इज ए लीगल लिटल लेंथियर वे टू यू नो डू दैट. देर इज अनदर वे टू यू नो ड्रॉ ए लाइन वेरी क्विकली. हाउ टू डू दैट, सो आई विल शो यू वेरियस यू नो ऑप्शंस on clicking it. You see this dash, you say it the dash or the negative means the minus sign on your keyboard, which is in the numeric keypad line. 1 2 3 4 5 aapke keyboard ke upar jo number wali line hai unhi mein 0 ke baad minus aur fir plus wali key aapko nazar aayegi, to usme aap minus wali lijiye aur usko minimum 3 bar आप टाइप कीजिए. उससे ज्यादा भी करेंगे तो भी चलेगा, आप वो टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी. आप करके देखिए, 1 2 3 4 ये मैंने ये किया और एंटर प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किया और वो आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक लाइन आपको ड्रॉ करके दे रहा है. ठीक है, उसी तरीके से अब ये तो बहुत पतली लाइन है, आपको लगता है कि थोड़ी सी यदि थिक हो जाए तो सिंपल तरीका है, उसे आगे आप इक्वल वाले साइन को 1 2 3 दिस इज इक्वल टू साइन क्लिक एंड मेक इट सो इट विल कम एज द डबल लाइन. सो 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर मिनिमम 3 देन प्रेस एंटर एंड इट विल ड्रॉ ए क्विक लाइन इनटू इट. सिमिलरली इफ यू वांट सम वेवी लाइन, सो यू नो दिस साइन ऑफ टिल्डे which is below the escape key on your keyboard, it is called as TILDE, tilde sign, which is equivalent to, nearly equal to, ye jo aap equal ka sign karte hain, it means equal to, A is equal to B, but sometimes you want to have some approximately equal to, then this sign is used. So you type it 3 times and press enter, so you will get this wavy line, 1 2 3 4 wavy line, so you can create a line into it. Sometimes you want, say, like you try with the hash icon, 1 2 3 and click, so this will be a thicker line into it, which is having some different format. So 1 2 3 4 like that and click on it, it gives you a different shape. Similarly, if you want have some dotted line in your text, for dotted line you use this star mark, 1 2 3, this star mark, and click, and it will insert a dotted line in your text. So that way, this is another way. But there is means there are few things here. This practice, this method will put the line across the whole of the breadth of your document. Means you can't say that up to half. If you are using insert and shapes and select a line, so I have selected the line and I can draw
I can draw to whatever the desired length I want. The another, in another method, means here you can control, but in that, this way, when you are creating these lines by typing these letters, these symbols, it will put it across the breadth of your document. And there is one more thing. Now let us say I want to delete it. So how to delete them? You select your text and then you click on, and it, you can delete it from there. So that goes, and simple, you have cleared your document by taking it from there. So this is the how you are editing it. Now there is one more way. Sometimes if you happen to get that, you see this is my ribbon, and I am showing this, but I want sometimes more space on my screen. And you see at the last end, here is the this upper caret. If I click on it, everything gone. I see only home, insert, design, etc. But those inside functions, now they are not available to me. Okay, and after some time I need to do something. वो कैसे होगा? वापिस कैसे आएगा? Which key I need to press it to bring that back? How to do that? Click it here, and anywhere you see, and if you put it, it goes back, because it has become temporary hidden. You whatever you want to see, इसने क्या किया कि आपके स्क्रीन का स्पेस तो बढ़ा दिया, ताकि आपको एडिट करने में, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में आपको ज्यादा स्पेस मिल जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट का ज्यादा पोर्शन देख पाए. बट आपको यदि कोई कमांड भी बार बार देखनी है, तो आपको बार बार उसको क्लिक करना पड़ेगा. सो दिस इज ए गुड वे टू हैव मोर स्पेस. बट हाउ टू ब्रिंग दैट बैक? यू सिंपली गो देयर एनीथिंग, एंड आप लास्ट में आप वहां पर देखें, आपको पिन का ये मिलेगा. सो यू पिन इट एंड देन इट स्टेज बैक. It is something similar to your Google Meet. यदि आपको ये लगता है कि आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, आप मेरे आइकन के ऊपर जाएं, Google Meet के अंदर फोटो के ऊपर जाएं, और वहां पर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी. पहले वाला पिन होगा, फिर एक ऑडियो का होगा, और वो जो आप लोग तो नहीं कर सकते पार्टिसिपेंट्स, बट जितेंद्र जी कैन डू, ही कैन किक मी आउट फ्रॉम द सेशन. जो थ्री ऑप्शन, दैट पिन मीन्स द थिंग इज गोइंग टू स्टे ऑन द स्क्रीन. दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये है. अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं इसी के अंदर, कि डॉक्यूमेंट में आप किस तरीके से ये एक्सेसिबिलिटी वालों के लिए बहुत अच्छा फीचर है, जो एक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं. बट मैं करूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको बताता हूं. और आप में से जो कंप्यूटर से इस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं, आप अपना एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट आप कर लीजिए. टेक्स्ट आप करने के बाद, आप जहां से आप ये चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद रिव्यू को क्लिक कीजिए, एंड क्लिक दिस बटन रीड अलाउड. यू क्लिक ऑन दिस रीड अलाउड. अब मुझे आवाज आ रही है, सॉफ्टवेयर अब इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है मेरे को. और आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो देखिए, मेरे हाथ नहीं है, मैं इसको डॉक्यूमेंट को इस वक्त नहीं छेड़ रहा हूँ. ये जो आपको इसका कर्सर का मूवमेंट होता दिख रहा है, इसका मतलब जिसके ऊपर इस वक्त ये शेडो वाला आइकन है, सॉफ्टवेयर इसको उस वक्त पढ़ रहा है, उसकी आवाज आ रही है. सो दिस इज टू एज ए स्पीच फंक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट. एंड दिस स्पीच फंक्शन इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु हैव सम एक्सेसिबिलिटी इशू. एक्सेसिबिलिटी इशू मीन्स, यदि जिनको देखने में, डॉक्यूमेंट को देखने में दिक्कत है, बट वो ये चाहते हैं कि वो उसको सुन लें, तो दिस फंक्शन यू कैन यूज इट. लाइक यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज, दैट इज दिस रीड अलाउड. इट इज वेरी वेरी गुड. सिमिलरली यू कैन हैव दिस वर्ड काउंट एंड थीसेरस. यू सिलेक्ट ऑन एनी वर्ड एंड देन से दिस इज ऑन कोऑर्डिनेटेड. सो इट इज थीसेरस, व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, it will try to show you an alternative for this word in your document. And similarly for spellings and grammars, you can activate the checking the spelling and grammars, and it will show you how we can
मेक द डॉक्यूमेंट फ्री फ्रॉम एनी स्पेलिंग मिस्टेक. सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ योर पेज. यू कैन सिलेक्ट लेटर साइज A4. देर इज अ होल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. एंड स्टिल इफ यू थिंक दैट द कन्फ्यूगरेशन विच यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर मीन्स इन दिस ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, यू कैन क्लिक ऑन मोर पेपर साइजेस एंड कैन मेक ए कस्टमाइज्ड टाइप ऑफ दैट. दिस इज कॉलम्स. वन कॉलम इफ यू क्लिक ऑन इट द पे योर योर इट विल बिकम ओके लेट मी क्लोज दिस. एंड हाउ यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन टू कॉलम, थ्री कॉलम्स एंड वेरियस ऑप्शन. सो हाउ इट विल लुक लाइक three column text, four column text, and this way it will all will be adjusted accordingly. You can make the document look like. Then this is indentation. By default it is in centimeters, but if you want to change it into in inches or like that, you can do. And here it is the space. By increasing it, you see before or after and 10 point kitne uska wo rahega, you can change it. And then it is just adjust the spacing in your text, because sometimes we need for our document to appear in a certain way, we need to adjust the height and the width of our text. And particularly if you think that at the end of your page only one sentence which has gone to the next page, sometimes it may happen ki ek hi line hai wo agle page pe ja rahi hai, baki sara text aa gaya. Means you had this 10 page document, but on the single line is going to the 11th page, and you don't want that. In that case, you can adjust the inner spacing for here, so that wo aapka ek akela ikalota word, ikalota sentence akela next page par na jaye, and everything can be, you can, you know, position from there. Then another feature here is to have this arrangement portion. For that we need to add a photograph in our text and to manage the photograph. So how do we do that? You simply add a photograph. So say like this is a photograph you are selecting. Come back to your document and paste the photo, and let us make it a little smaller size. So you drag the corners out of that. अभी यहाँ पर क्या किया है हमने, दैट वी सिंपली पुट. नाउ आई वांट दैट सर्टेन रीअरेंजमेंट. आई कैन मेक गो टू द होम टैब एंड मेक इट सेंट्रलाइज्ड टू द राइट टू द लेफ्ट. दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस इमेज. बट देर इज अनदर वे फॉर टू हैव दिस इमेज. यू सेलेक्ट दिस इमेज. एक तो आपको याद होगा कल भी आप लोगों को बताया था कि इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब तक आप किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे उससे रिलेटेड उसके ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं होंगे. अभी आप देखिए ऊपर रिबन के अंदर वो डीएक्टिवेटेड है पोजीशन और रैप टेक्स्ट का फंक्शन. जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा वो ओपन ऑन हो जाएगा. सो यू नीड टू एक्टिवेट योर टेक्स्ट एंड देन ओनली यू कैन वर्क ऑन दैट. नाउ इट इज ईजी. इट इज आस्किंग यू हाउ यू वॉन्ट योर टेक्स्ट एंड इमेज टू बी पोजिशनड. So you click on it and you will see, you just hover your mouse pointer and you see how it will arrange. ये image बीच में आ गया, ये right में चला गया text के हिसाब से, ये text के बीच में पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया और ये front में है, ऐसे करके. अब दूसरा उसमें क्या है कि more options. अब text की position आप कर रहे हैं तो anchor जो इसका है लॉक एंकर. एंकर का मतलब वो इमेज आपका फिर वहां से मूव नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा उस जगह पर और टेक्स्ट ऊपर नीचे उसके हिसाब से चलेगा. ये इसके टेक्स्ट का रैपिंग है कि आपका इमेज किस तरीके से उसके अंदर आपको अपीयर हो. और उसका साइज, हाइट, विड्थ, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, आप विड्थ को बढ़ा रहे हैं, हाइट को कम कर रहे हैं, आपने जो करना है वो लेआउट के अंदर से आप इन चीजों को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो. तो वो एक अच्छा आइडिया होता है कि टेक्स्ट को किस तरीके से आपने पोजीशन को रैप किया. मान लीजिए यू आर डूइंग इट इन दिस वे, सो द इमेज शुड लुक लाइक दिस. समथिंग लाइक इन बायोडाटा यू डू इट, यू पुट योर फोटोग्राफ एंड देन इन योर बायोडाटा यू एक्सप्लेन थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. सो दैट गोज इन टू द वे.
And since it is 11:30, I'll just close it with another one more thing. आप जब भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो, आप ओनली इसको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करते हो, जैसे अभी है. अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट में से, अनलेस इट इज नॉट ए टेबल, वेयर इज अवर टेबल, इन अवर टेबल आई कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन ए, यू नो, आई कैन क्लिक ऑन इट एंड आई कैन सेलेक्ट इट वर्टिकली इन द टेबल, बट नॉट इन द टेक्स्ट, नॉट इन द टेक्स्ट. सो इन द टेक्स्ट हेयर, सपोज आई वॉन्ट that okay, let me type some sentences here. One is Mr. Jitendra, then another is Dr. Akansha, then third is Miss Jasmine, and like that, you know. अब मुझे बाद में लगा कि मैं इन सब को प्रोसेस करना चाहता हूँ, और मैं केवल ये चाहता हूँ कि एक ही बार में अलग अलग से ना जाकर इनको किस तरीके से हम उसके साथ उसको निकाल सकते हैं, कि हम वर्टिकल टेक्स्ट सिलेक्शन कैसे हम करेंगे. तो उसका एक सिंपल सा तरीका, आपके कीबोर्ड पर एक की होती है Alt की, Alt, आप उसको क्लिक कीजिए, दबा कर रखिए, और फिर जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है उसको आप लें. अब आप ये देखो कि मैंने केवल इतना, ये मेरा वर्टिकल सिलेक्शन हो गया, और मैं सिंपली डिलीट की दबाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा. मैं आपको दूसरे टेक्स्ट में बड़ा मैं करके दिखाता हूँ. मान लीजिए मुझे इसके बीच में से कोई सिलेक्ट करना है, अभी मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे अपने माउस को ले जा रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टली पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है. मैं चाहता हूँ कि मुझे बीच में से ही कुछ रहे, तो आप यू कीप ऑन प्रेसिंग द Alt की एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट ए पर्टिकुलर पोर्शन and just drag. Only this much portion has been selected. See, केवल बीच बीच का red हो गया. I changed the font and here ये इतना color red हो गया. Again, I want that, okay, this much text, and if you press delete, it is all gone. So this is a vertical text selection. Okay. एंड यहाँ पर आपको ये सिलेक्शन पेन भी दिख रहा है कि किस तरीके से आपने किसी चीज़ को प्रोसेस करना है, फोटोग्राफ करना है, वो चीज़ें हैं ये. सो ओके, आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू शो टू यू टुडे. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार.